हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एमबीबीएस स्टडी इन रशिया 2021, ट्यूशन फीस, अकोमोडेशन, हॉस्टल, यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका मैक्सिमम बजट कितना होना चाहिए और मिनिमम बजट कितना होना चाहिए एमबीबीएस स्टडी इन रशिया का, रशिया का वेदर कैसा है और क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के, और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कैसे रशिया के बारे में डिसीजन लेना है, क्या क्या वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने देखना है बिफोर एमबीबीएस इन रशिया 2021। तो गाइस, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें सो दैट आप लोगों की क्वेरी एमबीबीएस स्टडी इन रशिया से रिलेटेड फुलफिल हो और आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकें और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करें। सबसे पहले हम बात करते हैं रशिया के बारे में। रशिया कैसी कंट्री है? गाइस, रशिया काफी डेवलप कंट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। इंडिया से हर साल काफी इंडियन स्टूडेंट्स मेडिसिन की पढ़ाई के लिए रशिया जाते हैं। रशिया काफी पॉपुलर डेस्टिनेशन है फॉर एमबीबीएस एब्रॉड। रशिया की टोटल पॉपुलेशन 14.6 करोड़ है और रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को है। दिल्ली टू मॉस्को जो फ्लाइट ट्रेवल टाइम है वो 6 hours 30 minutes का है और इंडिया और रशिया का टाइम डिफरेंस 2.5 hours का। आप ऐसे समझिए कि अगर रशिया में 2 PM हो रहा होगा इस टाइम तो इंडिया में 4:30 PM होता है। और रशिया और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे हैं और एमबीबीएस स्टडी इन रशिया काफी बजट फ्रेंडली भी है। एक रशियन रूबल 0.99 rupees के बराबर है, यानी कि रशिया का एक रूबल और इंडिया का 0.99 paise बराबर है। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जो आपका बजट होने वाला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है ऑलमोस्ट सेम है अगर आप इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं जैसे दिल्ली और मुंबई में, और वैसे अगर आप रशिया के किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सेम होता है। अब बात करते हैं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया कोर्स ड्यूरेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमबीबीएस स्टडी इन रशिया का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 years का है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मिनिमम जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज आपका पीसीबी में 50% और अबव होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 40% और अबव होना चाहिए और नीट क्वालिफाई करके जाना मैंडेटरी है सो दैट आप रिटर्न होंगे तो इंडिया में आपको प्रैक्टिस भी करना है और यहाँ का जो लाइसेंसिंग एग्जाम नेक्स्ट का है वो भी अपेयर करना है। अब हम बात करते हैं मीडियम ऑफ टीचिंग इन रशिया। रशिया में जो टीचिंग का मीडियम है वो 3 प्रकार के हैं, लाइक बाइलिंगुअल, इंग्लिश मीडियम और रशियन मीडियम। आप ऐसे समझिए कि जो इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी है, अगर आप इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, और अगर आप बाइलिंगुअल चूज करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो बाइलिंगुअल है वो यूनिवर्सिटी आपको फर्स्ट 3 years इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती है, उसके बाद का जो 3 years है वो आपको रशियन मीडियम में पढ़ना पड़ता है। तो जो बाइलिंगुअल है वो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है, वो रिटर्न भी हो जाते हैं या फिर बाद में ट्रांसफर लेते हैं इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि रशियन में पढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है। पहले आप लैंग्वेज को सीखें और फिर आप कोर्स को सीखें, जब तक आप लैंग्वेज सीखेंगे तब तक कोर्स निकल जाता है और फिर बाद में कॉपअप करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और जब बाइलिंगुअल का ऐसा है तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रशियन मीडियम, जो मीडियम ऑफ टीचिंग का थर्ड मीडियम ऑफ टीचिंग है, वो रशियन मीडियम है। और फुल्ली रशियन मीडियम अगर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं तो आप समझ सकते हैं फिर कितना डिफिकल्ट आप फेस कर सकते हैं फ्यूचर में। तो इसलिए जब भी आप किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रशिया 2021, तो आप सबसे पहले ये देख लें कि यूनिवर्सिटी टायर एमबीबीएस कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कर रही है, और अगर आपको पता है कि बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसमें आप जाना चाहते हैं, क्योंकि बजट का भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जो बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका बजट थोड़ा कम होता है और इंग्लिश मीडियम का बजट थोड़ा ज्यादा होता है, तो ट्यूशन फीस में काफी फर्क होता है। तो काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्यूशन फीस के चक्कर में बाइलिंगुअल में एडमिशन ले लेते हैं। काफी बच्चों को पता ही नहीं होता कि वो बाइलिंगुअल में जा रहे हैं और बाद में जब उनको पता लगता है तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता होता है। लेकिन आप उन बच्चों में से जिनको पता नहीं है तो पहले से प्रिपेयर रहें। आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू भी कर रहे हैं, सबसे पहले क्लियर कर ले कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको फुल एंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जा रही है और नहीं। अब बात करते हैं गाइस हम एमबीबीएस स्टडी इन रशिया मेडिकल यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइजेशन की। जो रशिया की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो WHO ECFMG रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और अभी तक हमारी जो इंडिया की MCA की वेबसाइट होती थी, जो MCA रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज होती थी उनमें वो लिस्टेड थी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी टॉप की
रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटीज हैं WHO और ECFMGC, वो यूनिवर्सिटी में अगर आप MBBS स्टडी कर रहे हैं तो उसकी डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड होगी। और वर्ल्ड वाइड वैलिड होने का मतलब ये है कि आफ्टर MBBS स्टडी इन रशिया आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी कंट्री से करनी है तो उस कंट्री का लाइसेंसिंग एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो आप जिस भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2021 में एडमिशन लेने की प्लानिंग कर रहे हो उस मेडिकल यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन जरूर चेक कर लें कि वो WHO और ECFMG है या नहीं है, क्योंकि अभी तक जो MCI की वेबसाइट पे होती थी लिस्ट वो NMC की वेबसाइट पे नहीं, और NMC ने MCI को रिप्लेस कर दिया इंडिया में। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फेस कर सकते हैं आप लोग एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करने में। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप उस यूनिवर्सिटी को WHO और ECFMG की वेबसाइट पे जरूर चेक कर ले, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें, वहां अगर वो लिस्टेड है इट मींस कि उस यूनिवर्सिटी की डिग्री वर्ल्ड वाइड वैलिड है। अब बात करते हैं गाइस रशिया के बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज के बारे में। रशिया की जितनी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, वेल रेनोवेटेड क्लासरूम है, कैंपस काफी बड़ा है, लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरीज में आपको सभी बुक्स मिल जाती हैं फॉर स्टडी। तो ये सारी बातें मिलके यूनिवर्सिटी को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाती है। जैसे कि अगर मैं कुछ बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया की बात करूं, फर्स्ट मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी जो मॉस्को में लोकेटेड है, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्रीमिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और क्रीमिया फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटीज बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया आती है, तो आप इनमें से भी किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हैं, इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं गाइस वेकेशन की। रशिया में ईयर में 2 टाइम आपको लॉन्ग वेकेशन मिलता है, एक आपको समर वेकेशन और एक आपको विंटर वेकेशन मिलता है। जो समर वेकेशन स्टार्ट होता है वो July 1st week से स्टार्ट हो जाता है और अगस्त लास्ट वीक तक होता है। आपको September 1st week वहां पहुंचना होता है अगर आप सेकेंड ईयर में है, अगर आपका फर्स्ट ईयर है तो वो सेप्टेम्बर इनटेक होता ही है। इसके अलावा जो आपका सेकेंड वेकेशन होता है वो विंटर वेकेशन होता है कि दिसंबर एंड से स्टार्ट होकर फेब मिड तक चलता है, जो कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है वो किस डेट से स्टार्ट कर रहे हो और किस डेट पे आपकी वेकेशन एंड हो रही है। अब बात करते हैं गाइस MBBS स्टडी इन रशिया 2021 ट्यूशन फीस। जो रशिया की ट्यूशन फीस है वो मिनिमम $2,500 से स्टार्ट है और मैक्सिमम $10,000 है। फर्स्ट मॉस्को मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो $10,000 है। और अगर आप बजट फ्रेंडली मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं तो एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस है वो $3,700 से स्टार्ट होकर $4,200 तक की ट्यूशन फीस वाली मेडिकल यूनिवर्सिटी एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिस्ट में। तो आप अकॉर्डिंग टू यू कोई भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन ट्यूशन फीस के बीच में चूज कर सकते हैं। और अगर आप $3,700 ट्यूशन फीस से लेकर $4,200 ट्यूशन फीस वाली यूनिवर्सिटी चूज करते हैं तो ऐसे में MBBS स्टडी इन रशिया 2021 का जो आपका बजट होगा मिनिमम बजट आपका 28 लाख से 30 लाख तक होगा, जिसमें आपका फूड अकोमोडेशन और ट्यूशन फीस अदर एक्सपेंसेस फॉर 6 ईयर इंक्लूड होगा। और गाइस ये जो $3,700 टू $4,200 ट्यूशन फीस मैंने बताई है ये पर एनम का है। आप $3,700 से लेके $4,200 तक की ट्यूशन फीस जो आप पे करेंगे इनको 6 ईयर से कैलकुलेट कर लें। और ये जो आपका $3,700 से $4,200 ट्यूशन फीस बजट वाली यूनिवर्सिटीज हैं, इनका बजट एंटायर MBBS कोर्स 6 ईयर का अकोमोडेशन फूड और ट्यूशन फीस अदर एक्सपेंसेस फॉर 6 ईयर 28 लाख से 30 लाख तक का बजट होगा। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल्स के बारे में। रशिया की जितनी भी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके हॉस्टल्स हैं, और हॉस्टल फर्स्ट ईयर मैंडेटरी होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप रशिया MBBS स्टडी करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ईयर मैंडेटरी है कि आप हॉस्टल में रहें, और हॉस्टल्स के जो रूम्स होते हैं वो 2-seater, 3-seater और 4-seater होते हैं। अकॉर्डिंग टू यू कोई भी रूम आप चूज कर सकते हैं। उसका जो पे है आप जो पर एनम हॉस्टल का जो चार्ज पे करते हैं वो रूम्स के अकॉर्डिंग पे करना होता है, और रूम्स में जो फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है वो बेड होता है, मैट रेस्ट होता है, पिलो कवर होता है, बेड सीट होती है, अलमीरा होती है, स्टडी टेबल और स्टडी चेयर होता है। ये सारी फैसिलिटी आपको स्टार्टिंग में प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा फ्लोर पे किचन प्रोवाइड की जाती है, जिस किचन में आप कुकिंग भी कर सकते हैं अगर आप मैस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। अगर हम फूड की बात करें, मैस की बात करें, तो ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में इंडियन मैस अवेलेबल है, आप इंडियन मैस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने मैस ज्वाइन नहीं करना है
खुद से कुकिंग करना है तो मैंने बताया आप लोगों को हर फ्लोर पे किचन प्रोवाइड की जाती है, उसमें आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं। और कुकिंग के लिए ग्रोसरी रॉ मटेरियल वगैरह आपको नियर बाय कैंपस नियर बाय हॉस्टल मिल जाता है, वहाँ सुपर मार्केट्स होते हैं, वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो गाइस अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि MBBS स्टडी इन रशिया क्यों ज्यादा बच्चे जाते हैं, बिकॉज बजट फ्रेंडली है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं और ट्रेवल टाइम भी डायरेक्ट फ्लाइट आप दिल्ली टू मॉस्को लेते हैं तो 6 hours 30 minutes का होता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, सस्ता है। आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो कॉस्ट सेम है ऑलमोस्ट इंडिया की, जैसे मेट्रो सिटीज हैं लाइक दिल्ली या मुंबई, वैसे ही अगर आप रशिया की किसी भी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग आपका सेम होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ड्रॉबैक्स भी है जो आपको ध्यान में रखना है सो देट आप स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करें कि आपके लिए रशिया कितना बेस्ट होने वाला है और नहीं है। क्योंकि रशिया अगर ओवरऑल कंट्री देखे, बजट देखे, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहला मेन पॉइंट होता है वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो स्टडी का होता है। तो स्टडी के लिए कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है, कुछ बातें हैं जो एक यूनिवर्सिटी को बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाती है। वो बातें ये है कि इंग्लिश मीडियम एंटायर कोर्स आपका MBBS का होना चाहिए, जो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का जो कनेक्टिविटी है मॉस्को कैपिटल के साथ वो अच्छा होना चाहिए। कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर जब आपका प्रैक्टिकल ईयर स्टार्ट होता है अगर आपको हॉस्पिटल्स दूर है वहां जाना पड़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज के जो हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएशन हो वो अच्छे हॉस्पिटल्स के साथ अफिलिएशन हो ताकि क्लिनिकल एक्सपोजर आपका अच्छा हो, और जिस भी सिटी में यूनिवर्सिटी लोकेटेड हो उस यूनिवर्सिटी का पॉपुलेशन थोड़ा अच्छा हो, बिकॉज कि पॉपुलेशन ज्यादा होंगे तो पेशेंट फ्लो भी हॉस्पिटल्स में ज्यादा होगा जिससे आपका क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। बिकॉज गाइस जितने भी आप इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो फर्स्ट चॉइस इंडिया ही होता है, और एज कम्पेयर टू इंडिया अगर मैं बात करूँ इन पॉपुलर कंट्रीज की तो हम इनको कंपेयर कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारे पास सेकेंड मैटर होता है कि जो हमारा ड्रीम है मेडिसिन का वो अगर हम इंडिया में फुलफिल नहीं कर पा रहे तो दूसरी कंट्री में जाके अगर हम कर सकते हैं तो करें, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वो कंट्री की वो बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो सो देट कि अगर हमारे इंडिया जितनी क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं हो रहा लेकिन उतना वहां पे जाके उस कंट्री के अकॉर्डिंग तो बेस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर हो सो देट आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। गाइस अब हम बात करते हैं कुछ ड्रॉबैक्स MBBS स्टडी इन रशिया ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स है कि वहां का वेदर नॉर्दर्न रशिया है वहां का जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री तक माइनस में जाता है, जो बच्चे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाते, जिनको जो काफी सेंसिटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां पे एडजस्ट ही नहीं कर पाते, वो इंडिया रिटर्न हो जाते हैं या फिर नॉर्दर्न से सदर्न साइड में ट्रांसफर ले लेते हैं। तो आपने पहले ही देखना है कि जिस यूनिवर्सिटी में आप ले रहे हैं वो कहां लोकेटेड है। इसके अलावा बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटीज का होना, मान लीजिए कि अगर आपने इंग्लिश मीडियम में ले लिया तो बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप गलती से या किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आपने बाइलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया तो आप पहले इंग्लिश मीडियम फिर वही रशियन, तो वहां फिर आप डिफिकल्ट फेस करेंगे और जो जब तक लैंग्वेज सीखेंगे तब तक आपका कोर्स आगे निकल जाएगा, कॉप अप करना डिफिकल्ट हो जाएगा, और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी तो फुल रशियन मीडियम में है तो रशियन मीडियम में लेने का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये बातें आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है। इसके अलावा वहाँ का रशिया का जो लाइफ स्टाइल है काफी मॉडर्न है एज कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ पे आपकी फैमिली होती नहीं है, कोई फैमिली प्रेशर नहीं होता, सोसाइटी प्रेशर नहीं होता, तो जो आपका एम होता है जो ड्रीम मेडिसिन का फुलफिल करने का ड्रीम एम लेके आप जाते हैं उस एम से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस नहीं रख पाते, और जो कि आपका इन बातों से काफी नुकसान हो जाता है। तो गाइस ये कुछ बातें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए एक बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं। आप हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया एडमिशन ले सकते हैं। हमारे थ्रू एडमिशन लेने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।